हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है। पाइथन के इस चैप्टर में, यानी कि ये चैप्टर है डेटा फाइल हैंडलिंग का, और इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस प्रकार से हम एक ऐसी फाइल बनाएंगे, यानी पाइथन में एक ऐसा एडजस्टमेंट करेंगे, एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कि हमारा हेडिंग होगा रोल नंबर और एक हेडिंग होगा नेम, ठीक है, और एक हेडिंग होगा मार्क्स। तो हम जो रोल नंबर है उसमें पहले तो पूछेगा हमसे कि आप रोल नंबर एंटर कीजिए, फिर मार्क्स पूछेगा और फिर नेम पूछेगा, तो सारा कुछ हम एंटर करवाएंगे। और इस तरह का एक प्रोग्राम हमें बनाना है डेटा फाइल हैंडलिंग के तहत। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर चलेंगे और यहां पर एक फंक्शन हम इसमें बहुत सारे फंक्शन का भी यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक काउंट नाम से बना लेते हैं और काउंट इज इक्वल टू क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इंट और ब्रैकेट ओपन करके फिर इनपुट, इनपुट स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू कंटेन करता है, एंटर यहां पे लिख देते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर TSERE इन क्लास, ठीक है। और यहां लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के वो एंटर होंगे, नंबर एंटर होंगे। और यहाँ पर डब्ल्यूटेड कमा को क्लोज भी कर दीजिएगा और फिर एंटर करके नीचे आइएगा। जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पर एक बनाते हैं हम फाइल आउट, ठीक है। तो ये बना लिया है फाइल आउट, ठीक है, और फाइल आउट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे दे देते हैं ओपन। ये ओपन एक फंक्शन है, ठीक है, पाइथन वाली फाइल पे। यहाँ पे एक लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगाते हैं, फॉर आई, ठीक है, इन रेंज, इन रेंज आई के अंदर वो रेंज स्टोर होगी जो कि हम काउंट के अंदर देंगे। तो यहाँ ऊपर काउंट हमने जो बना रखा है, जितने भी स्टूडेंट होंगे उतने का यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, मतलब कितने स्टूडेंट होंगे ये तो ऊपर यहाँ पे जो दिया गया इससे पता चलेगा। और ये लूप डायरेक्टली इसी से कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर दे देते हैं हम प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये लिखा प्रिंट, ब्रैकेट ओपन किया, और ब्रैकेट ओपन करके क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे Details, DETAIL, Details of Student, ये दे दिया हमने, Enter Detail of Student, इस तरीके से। और उसको बंद करके यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगा करके क्या करना है आपको, यहाँ पर I के अंदर हम वन जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए जोड़ रहा हूँ कि एक एक करके प्लस करता चलेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा और यहाँ पर ये भी लिख देते हैं बिलो, BELOW बिलो माने नीचे। इसको बंद कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। आप एंटर करके नीचे आएंगे, जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर रोल नंबर बनाना है तो ये हो गया रोल अंडरस्कोर नंबर, तो ये हो गया रोल नंबर, और इज इक्वल टू कर देते हैं इंट इनपुट, इंट इनपुट क्योंकि रोल नंबर इंटीजर में ही एंटर होगा। और यहाँ पे एंटर रोल नंबर कर देते हैं, एंटर ENTER एंटर रोल नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसके बाद बंद करेंगे इसे, दोनों ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और क्लोज करके एंटर करेंगे। एंटर जैसे ही करेंगे तो अब देखेंगे कि यहां पर अब हमें नेम एंटर करवाना है। तो यहां लिखेंगे यानी नेम इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या करते हैं फ्लोट दे देते हैं, फ्लोट यानी यहां पर डेसिमल वैल्यू भी एंटर हो सकेगी। यहां पर तो क्या करते हैं फिलहाल नेम इज इक्वल टू इनपुट कर देते हैं क्योंकि यहां पे स्ट्रिंग एंटर होगा, तो यहां पे इनपुट कर दिया हमने और एंटर नेम कर देते हैं नेम ये हो गया एंटर नेम। बंद कर देंगे इसको, एक ही ब्रैकेट ओपन हुआ था तो इस तरीके से क्लोज कर देंगे। और यहां पे कर देंगे मार्क्स, MARKS मार्क्स हो गया, तो मार्क्स में तो मार्क्स एंटर होंगे, तो जो भी मार्क्स एंटर होगा वो फ्लोट में भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैं फ्लोट लिख दूं, वैसे हम इंट ही कर देते हैं, या आप चाहे तो फ्लोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने फिलहाल इंट कर दिया, ठीक है। और इनपुट एंटर द मार्क्स कर देंगे, इनपुट हो गया, ब्रैकेट ओपन किया, एंटर मार्क्स, एंटर मार्क्स MARKS, ठीक है, तो एंटर मार्क्स कर दिया। इसको बंद कर दिया इस तरीके से, और बंद करने के बाद क्या करना है आपको, एंटर कर देना है। और एंटर करके यहां पर एक बना लेते हैं रिकॉर्ड नाम से, REC नाम से बना लिया रिकॉर्ड। और यहां पर क्या करते हैं इसे स्ट्रिंग में बदल देते हैं, तो STR लिख देते हैं और यहां पे कर देते हैं रोल नंबर, ठीक है। तो जैसे ऊपर लिखा है रोल नंबर बिल्कुल वैसे ही करना है, तो यहाँ पे रोल अंडरस्कोर लगा के नंबर कर देते हैं, ठीक है। और ये लिखने के बाद जैसे ही रोल नंबर लिखेंगे तो इसे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, यानी स्मॉल ब्रैकेट में इसे लिखा था, और प्लस कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे और क्या चीजें जोड़ेंगे। यहां पर हम चाहते हैं ना कॉमा आए, ठीक है, और रोल नंबर के बाद ऑटोमेटिक कॉमा आ जाए, तो यहां पर ये दे दिया हमने, ऐसे कर दिया है, डबल कॉमा में कॉमा लिख दिया, और यहां पे प्लस नेम, ठीक है,
यहाँ पे लिख दिया है प्लस नेम, ठीक है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा है प्लस नेम, और यहाँ पे करते हैं आगे फिर प्लस और डबल इंटेड कॉमा को क्लोज कर देते हैं जो ओपन किया था हमने, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्लोज कर दिया, फिर कॉमा लगा देंगे और फिर यहाँ पे क्या करेंगे एसटीआर लगाएंगे यानी स्ट्रिंग लगाएंगे और यहाँ पे मार्क्स भी लिख देंगे एम ए आर के एस मार्क्स, तो जैसे मार्क्स ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही आपको टाइप कर देना है, ठीक है। और इसको बंद करके प्लस का निशान लगाता हूं और इसमें हम बैक स्लैश एन लगा देते हैं ताकि हर बार लाइन भी चेंज होती रहे, ठीक है। और इसे हम सिंगल या डबल टेड कॉमा में रख सकते हैं, आप चाहे तो डबल टेड कॉमा भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो सिंगल टेड कॉमा भी यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, आप एंटर कर दीजिएगा, नीचे आ जाइएगा। जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पर अब हम फाइल आउट करते हैं, फिर से फाइल ओ यू टी आउट, और यहां पर देंगे राइट। यहां पर देखिए राइट फंक्शन का यूज किया है, तो ये राइट जो है हमें राइट करने की परमिशन देगा, और किस में राइट करना है तो आर ई सी में, और इसको बंद कर देंगे। और फिर लास्ट में फंक्शन, भाई हमने जो फाइल ओपन करी है, जो चीजें ओपन करी है उसे क्लोज भी करना है, तो यहां पर आकर के और हम क्या लिखेंगे फाइल एफ आई एल ई फाइल आउट ओ यू टी आउट डॉट क्लोज सी एल ओ एस ई, तो ये हो गया फाइल आउट डॉट क्लोज, और इसे बंद कर देंगे। और बंद करके यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करके इसे किसी भी नाम से सेव करेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करेंगे तो ये ऑलरेडी सेव बता रहा है, तो कोई और नाम दे देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा, अब अगर कोई गलती नहीं है तो इसको हमें देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर है, देख सकते हैं यहाँ पर हमने कॉमा लगाया है और आई प्लस वन जो किया है यहाँ पे, यहाँ पर कॉमा छूट गया है तो कॉमा की वजह से दिक्कत हो रही है। अब F5 करते हैं, एंटर करते हैं, पर हमने प्लस नहीं लिखा है जिसकी वजह से ये दिक्कत है, तो यहाँ पे प्लस लिख दीजिए और फिर अब इसको चला देंगे, शायद ये चल जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये चल गया है। तो अब ये कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास, तो मैंने कहा कि 10 स्टूडेंट, तो 10 स्टूडेंट हमने दे दिया। कह रहा है अब इंटर कीजिए नीचे, बिलो मैंने नीचे एंटर कीजिए आप, तो रोल नंबर वन एंटर किया हमने। कह रहा है नाम क्या है, तो नाम है आर्यम राम। कह रहा है कि कितना मार्क्स पाए हैं, तो 77 पाए। चलिए जब जब दूसरे की बारी आएगी तो यहां पर रोल नंबर टू कर देंगे हम और एंटर करेंगे, और फिर यहां पे रमेश कर देते हैं दूसरे बच्चे का नाम, तो ये रमेश हो गया। अब इनका मार्क्स यहां पर एंटर करना है, तो ये 67 एंटर कर दिया, तो दोनों के मार्क्स यहां पे स्टोर हो गए। अब थर्ड वाले की बात करते हैं, तो थर्ड वाले में क्या करना है, रोल नंबर थ्री एंटर करना है, ठीक है। और यहां पर थ्री का नेम जो है यहां पे दे दीजिएगा, तो यहां पे इनका नाम है युवराज, तो ये दे दिया हमने, एंटर किया, और इनका मार्क्स कितना है, तो यहाँ पे 98 है, तो यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से 10 स्टूडेंट का ही आएगा, ठीक है। फिर यहाँ रोल नंबर फोर कर देते हैं, फिर यहाँ के कर देते हैं, फिर यहाँ मार्क्स कर देते हैं 56, तो दिखाई दे रहा होगा क्लियरली। अब रोल नंबर फाइव हमने एंटर कर दिया, यहाँ मान लीजिए दुर्गेश कर देते हैं, दुर्गेश, और इनका मार्क्स यहाँ पे आएगा, तो 88 कर देते हैं। अभी समझ में आ गया होगा कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।